गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कल हमने देखा था हमको अपने आप को, हमारी बॉडी को कैसे क्लीन रखना है। हमेशा क्लीन बॉडी हेल्दी रहती है, नीट क्लीन एंड टाइडी। चिल्ड्रन, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लीनिनेस अबाउट अवर होम, हमारे घर को अंदर और बाहर से कैसे क्लीन रखना है। पब्लिक प्लेसेस, मॉल और हॉस्पिटल्स और ऑन द स्ट्रीट्स, रोड को भी हम कैसे क्लीन रखेंगे, यानी हमारी सिटी, सोसाइटी एंड आवर स्कूल। चिल्ड्रन, जब हम सुबह नींद से उठते हैं तो हमारे बेड को ऐसे छोड़ के जाना चाहिए? नहीं, हम जो क्विल्ट लेते हैं उसको अच्छे से फोल्ड कर उसकी जगह पे रख कर हमारे बेड को क्लीन करके टाइडी करके निकलना है। उसके बाद हम सीधा बाथरूम में जाएंगे, जहाँ पे हम ब्रश करेंगे, वॉशरूम यूज़ करेंगे यानी टॉयलेट। फिर हम नहाने बैठेंगे, तो नहाने के बाद हर चीज़ उसकी जगह पे वापस रखनी है। जैसे हमने टॉवल यूज़ किया तो ये पिक्चर में दिखाया है, टॉवल को उसकी जगह पे हमने हैंग कर दिया, बकेट को एक साइड पे रख देना है। सोप और शैम्पू, उसको भी वापस वहाँ से उठा के उसकी जगह पे ऊपर हमको रख देना है। टॉयज़ इधर उधर होंगे तो उसके ऊपर किसी का पैर लग जाएगा और टॉयज़ तो टूटेगा पर कोई गिर भी सकता है और उसको इंजरी होती। बाहर से आते ही शूज़ घर के बाहर निकालना। अगर ऐसे हम शूज़ पहनकर अपने सोफे पे, चेयर पे, बेड पे, कहीं पे भी चढ़ जाएंगे तो शूज़ के अंदर जो डर्ट आया है वो भी घर में आएगा और उसके साथ साथ इंसेक्ट, मॉस्किटोज, बग्स, कॉकरोचेस गंदी जगह पे अट्रैक्ट होते हैं, यानी वो आपके घर एंटर हो जाएंगे, हमारे घर में फिर बग्स घूमेंगे। और कभी हम वॉल पे लिखेंगे? नहीं, वॉल पे लिख सकते नहीं। वॉल पे लिखना, स्क्रिबलिंग करना, गंदे हाथ लगाना भी गंदी बात है, उससे भी घर गंदा दिखता है। और जो हम बुक्स यूज़ करते हैं, जिसमें से हम रीडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, वो बुक्स को भी हम फाड़ेंगे नहीं। इस तरह बुक को फाड़ना बुरी बात है। और हमारी पढ़ाई की बुक हम इधर उधर घर में डाइनिंग टेबल पे कहीं पे भी छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे देखो, खाने की चीज़ के बाजू में उसने बुक रख दिया, अभी वहाँ से या पानी गिरेगा या बुक के ऊपर ऑयल और फूड के स्टेन आ जाएंगे। जब हम पढ़ाई करें या बुक खोले तो उसकी आजू बाजू कोई खाने पीने की चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो हमारी बुक्स, नोटबुक्स, हमारे क्रेयॉन्स, पेंसिल, हर एक चीज़ उसकी जगह पे उसके शेल्फ के अंदर या फिर कपबोर्ड के अंदर हमें अरेंज करके रखना है। हमारे टॉयज खेलने के बाद उसको एक बक्से में डालकर उसको उसकी सही जगह पे रखना है। स्कूल से घर जाने के बाद हमारा स्कूल बैग वापस उसको उसकी जो जगह हमने फिक्स की है मम्मी ने, वहाँ जाकर उसको रख देना है, इधर उधर फेंकना नहीं। अब सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस इन आवर हाउस इज आवर किचन, जहाँ से हमारा खाना पकता है, हमारा पानी रहता है, वो हम खाते हैं और वही पानी हम पीते हैं। तो घर का किचन एकदम क्लीन होना चाहिए और जो खाना पका है उसको हमें लीड करके रखना है, यानी हम उसको ढक कर रखेंगे। बाहर से मॉस्किटो या हाउस फ्लाई यानी मक्खी आकर उस पर ना बैठे, क्योंकि मक्खी अक्सर गंदी जगह पर बैठ कर आती है और उसके पैर के अंदर बाहर से वो गंदगी लेकर आएगी, उसके गंदे पाँव हमारे खाने पे लगेंगे और वो खाना हम खाएंगे तो हम वापिस बीमार हो सकते हैं। इसके लिए घर में जो खाना पक जाए, पकने के बाद हमारा किचन को तुरंत क्लीन करना है और जो खाना बनाया है उसको हम लीड करके ढक कर रखेंगे
और खाना लेकर पूरे घर में हमको घूमना नहीं है, खाना इधर उधर फेंकना नहीं है, पानी का ग्लास इधर उधर रखने से पानी घर में फ्लोर पे गिरेगा और घर गंदा दिखता है। तो खाने की चीज़ हम एक जगह पर बैठकर खाएंगे और वहीं बैठकर हम दूध पानी जूस सब भी वहीं पिएंगे। यहाँ पे दिखाया है मम्मी ने एक डाइनिंग टेबल पर पूरा खाना लगा दिया है जहाँ बच्चे और बड़े साथ में बैठकर खाते। सो चिल्ड्रन, हमारे घर में हम हर रोज़ झाड़ू और पोछा लगाएंगे और पोछे में हम थोड़ा डेटोल डालेंगे, यानी नो बग्स एंड नो इंसेक्ट्स। फर्नीचर क्लीन करेंगे, खाने का सामान जो आएगा उसको भी हम वॉश करके रखेंगे। फर्नीचर, टेबल्स, चेयर एंड वॉल्स, उसको भी हम हर रोज़ क्लीन करके रखेंगे। वॉल्स पे हम नहीं लिखेंगे। हमारा व्हीकल, कार, स्कूटर, बाइक, उसको भी हम वॉश करेंगे। हर चीज़ उसकी जगह पे होगी। नीट, क्लीन एंड टाइडी हाउस इज अ हेल्दी हाउस। चिल्ड्रन, अभी हम स्कूल के लिए टॉक करेंगे। स्कूल भी हमारा एक घर है। जैसे घर को क्लीन रखते हैं वैसे हमारी स्कूल को भी हमें क्लीन रखना है। स्कूल में भी कचरा इधर उधर नहीं फेंकना है और कचरा डस्टबिन में डालना है और क्लासरूम भी एकदम क्लीन रखना है। वॉल पे या टेबल पे, बेंच पे, कहीं पे भी हम लिखेंगे नहीं, लिखते करेंगे नहीं और कचरा सिर्फ डस्टबिन में। अभी हम पब्लिक प्लेस की बात कर रहे हैं, जैसे ये बस स्टॉप है, बस स्टॉप में भी खाना खा के हम कुछ नहीं फेंकेंगे। यहाँ पे लड़के ने केला खाकर छिलका रोड पे डाला, उसके ऊपर किसी का पैर जाएगा तो वो गिर जाएंगे। तो रास्ते में खाया हुआ कचरा हर जगह पे डस्टबिन होती है, वो डस्टबिन में जाकर हमें डालना चाहिए, यानी हमारी सिटी भी क्लीन रहेगी। देखो ये अंकल ने खाना खा के कचरा कहाँ डाला, डस्टबिन के अंदर। मीन्स क्लीन सिटी ग्रीन सिटी। चिल्ड्रन, नाउ टेक आउट योर प्री राइटिंग स्किल्स एंड ओपन पेज नंबर 31, स्किल शीट नंबर 2424। प्रैक्टिस वेव्स विद जेरी, फॉलो द वेव्स विथ योर कलर पेंसिल। ये जेरी के साथ हमको वेव लाइन में प्रैक्टिस करनी है, पर फर्स्ट क्या लिखना है चिल्ड्रन, डेट 14th July 2021। टेल मम्मा टू राइट डेट ऑन योर पेज चिल्ड्रन एंड पिक अप योर कलर और पेंसिल। यहाँ पे वेव लाइन है, उसके ऊपर हम फिंगर रखेंगे, फिर उससे फिंगर ट्रेसिंग करते हैं, अप डाउन एंड दैट्स इट। तो अभी आप अपना क्रेयॉन ले लो या कलर पेंसिल और रेगुलर पेंसिल, होल्ड योर पेंसिल टाइटली। इसके ऊपर हम रखते हैं, धीरे 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 नीचे जाएंगे, वापिस आए, अप डाउन। पेंसिल को बीच में रुकना नहीं है, यानी नो रेस्ट नो स्टॉपेज, और निकल आए। देखो यहाँ पे मैडम ने किया है ना, तो थोड़ा ऊपर चला गया, दैट्स इट। उसको हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे पेंसिल को ब्रेक करना नहीं है। अभी हम दूसरा करते हैं, डाउन स्लोली स्लोली स्लोली, अप कम डाउन चिल्ड्रन, अप डाउन अप डाउन एंड दैट्स इट। ये हो गई हमारी वेव लाइन। अगर ऊपर नीचे हो जाए तो डोंट वरी, डोंट टेक एनी रेस्ट, कंप्लीट इट इन वन स्ट्रोक। अब ये बड़े बड़े वेव्स है, उसको भी हम यहाँ से शुरू करते हैं। पहले एकदम स्लो जाना है, नज़र हमारी डॉटेड लाइन पे और पेंसिल पे, डाउन अप
ये आप कलर से भी कर सकते हो विथ क्रेयॉन और कलर पेंसिल और लाइक मैडम, जैसे मैडम ने रेगुलर पेंसिल यूज़ की है सेम वे आप रेगुलर पेंसिल यूज़ करके भी कर सकते हो। एंड दैट्स इट, आपको पूरे पेज पे ट्रेसिंग करना है और वेव्स लाइन को कंप्लीट करना है। चिल्ड्रन, अभी हम यहाँ क्रेयॉन से करेंगे क्योंकि हर एक पार्ट का कलर हमें अलग करना है। आपके पास कलर पेंसिल हो तो वो भी चेंज करते रहना। ये कौन है? बर्ड। कौन है? बर्ड। और बर्ड क्या खाना खाएगा? दाना चुनता है। क्या करता है? दाना चुनता है। तो बर्ड को कहाँ ले जाना है? अपने खाने के पास। तो चलो ले जाए। वेव लाइन के ऊपर ही हमें क्या करना है? ट्रेसिंग विथ योर फेवरेट कलर पेंसिल और विथ फेवरेट कलर। ये हो गया हमारा बर्ड, टू सेट्स। अभी हम दूसरे कलर से करेंगे। ये कौन है? स्नेल। और ये कहाँ जा रहा है? शेल के पास। धीरे 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 करके अभी लायन को क्या खाना है? माउस को। लायन क्या खाने वाला है? माउस। चलो लायन, कहाँ जाना है हमें? माउस के पास। तो उसके रास्तों को भी हम ट्रेस करके रेडी कर देते हैं। अभी कैंडल विथ मैच स्टिक। बर्थडे में हम कैंडल जलाते हैं, किससे जलाते हैं? विथ हेल्प ऑफ मैच स्टिक। सो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। चिल्ड्रन, कंप्लीट योर वर्क ऑन पेज नंबर 31, स्किल शीट नंबर 24, पेज नंबर 32, स्किल शीट नंबर 25। टुडेज वर्क इज ओवर। सो चिल्ड्रन, क्लोज योर बुक और उसको उसकी जगह पे रख देना। बीड्स ऑफ पेपर, बीड्स ऑफ पेपर लाइंग ऑन द फ्लोर, लाइंग ऑन द फ्लोर। बीड्स ऑफ पेपर, बीड्स ऑफ पेपर लाइंग ऑन द फ्लोर, लाइंग ऑन द फ्लोर। मेक द प्लेस अनटाइडी, make the place untidy. Pick them up, pick them up, throw it in the dustbin, throw it in the dustbin. Beads of paper, beads of paper lying on the floor, lying on the floor. Make the place untidy, make the place untidy. Pick them up, pick them up, throw it in the dustbin, throw it in the dustbin. Beads of paper. So children, हम हमारे घर, school and surrounding को कैसा रखेंगे? क्लीन। कैसा रखेंगे? क्लीन। बाय बाय।